Welcome to our channel. This is the C++ book, and first chapter is describe our C. Middle level language है ये C, ठीक है? Higher level language होता है अंडा, मॉड्यूल, पास्कल, ग्रुबाल, मॉडा, ये सब होता है बाकी language है. Lowest assembler language होता है और assembler language high होता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं. ये सब हमारा कीवर्ड्स है जो हम लोग कभी भी इसको वेरिएबल के नाम पे नहीं ले सकते. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम लोग डाटा स्टोर करने में हेल्प कर लेते हैं. नाम किसी का, इस नाम में हम वो वैल्यू डाल रहे हैं या वेरिएबल एक वर्ड डाल रहे हैं कोडिंग में, तो यूज करते हैं. तो इसलिए हम लोग ये सब को नहीं ले सकते, ध्यान रखना. 32 कीवर्ड डिफाइंड है सी प्लस प्लस, सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस. तब जो सी में था वो सी प्लस प्लस में है, ठीक है? लाइब्रेरी एंड लिंकेज, लिंकिंग, टेक्निकल सब बकवास. लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी एक फाइल होता है जिसमें सारा प्रोग्राम पहले से बना हुआ रखा हुआ है, उसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? हम लोग बस उसको कॉल करते हैं, वो हमारा काम कर देता है. जैसे ग्लोबल कीवर्ड है, ये हमारा फर्स्ट कोड है. फर्स्ट कोड हमारा हार्ड दिख रहा होगा बट बहुत आसान है, ये भी जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फिर ये सब फालतू है. एक्सप्रेशन, सेकेंड चैप्टर है एक्सप्रेशन, ठीक है? एक्सप्रेशन में कुछ नहीं और कुछ नहीं, यही होता है कैर, फ्लोट, इंट, डबल. ये हमारा ये कैर, अनसाइंड, इंट, अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है? ये सब क्या है? एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करेंगे. डेटा टाइप होता है, उसको कैसे से हम लोग बुलाएंगे, वेरिएबल को किस चीज़ में मतलब डिक्लेयर करेंगे, क्या उसका रेंज क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ रेंज आपको याद नहीं रखना. कभी कभी बीट्स पूछता है क्वेश्चन कि कितना उसका बीट्स है, उससे हम लोग अपना वैल्यू रखते हैं कितना जगह रख सकते हैं. क्या बोले, वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स में क्या होता है? इट इज अ प्रोग्रेसिव वेरिएबल नेम लोकेशन इन द मेमोरी दैट यूज टू होल्ड वैल्यू दैट मे बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम्स. ऑल द वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर बिफोर वी बीन यूज्ड, मतलब जब हम यूज करते हैं पहले ही हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है? मतलब पहले उसका डिक्लेरेशन कर देते हैं. जैसे इंट, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है? इसका सिंटैक्स है कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो देखो इंट एक्स वाई जेड या एल है, एक्स वाई जेड मान लो, ठीक है? फ्लोट शॉर्ट किए हैं इंट एस आई, असाइन इंट एस आई, डबल बैलेंस प्रोवाइड लॉस. ये सब क्या है? डिक्लेरेशन करने का तरीका है, ठीक है? वेरिएबल को कैसे हम लोग उसको असाइन करते हैं. जैसे बोलते हैं हम लोग असाइन करेंगे, ठीक है? देखो जैसे हम लोग कोई कोड लिखना शुरू करते हैं तो कुछ कैसे शुरू करते हैं. मेन क्लास बनाते हैं तो मेन, ठीक है? अब इसमें आते हैं इंट. अगर तुमको कोई इंटीजर वैल्यू रखना है किसी में तो इंट एक्स ले लिए, कॉमा वाई ले लिए, कॉमा जेड ले लिए, तीनों में इंटीजर वैल्यू रखेंगे, ठीक है? और इसका यूज करेंगे अब देखो. जैसे एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं 10, ठीक है? और
y इक्वल्स टू मान लेते हैं 5, तो z इक्वल्स टू क्या होगा वो निकालने के लिए x प्लस y लिख दिए और इसको सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे प्रिंट, तो इसका होता है सी प्लस प्लस में कुछ और लिखते हैं हम लोग, सी में कुछ और लिखते हैं, जावा में कुछ और लिखते हैं, वही हम लोग को बस याद करना है। इसमें बेसिकली हम लोग को कोडिंग में पढ़ना क्या रहता है कि हम लोग इसको लिखते कैसे, ये सब तो बच्चा से जानते हैं हम लोग, ये एक्स को ऐसे लिखते हैं, वाई को ऐसे, बोल इक्वल टू टेन है, वाई इक्वल टू टेन, और ये सेमी कोलन है। ठीक है, ना सेमी कोलन है, और इसको कभी बहुत ही बोलते हैं, अपने अपने डिपेंड करता है। तो एक्स प्लस वाई आपका वैल्यू समझ में आ गया, वो दिमाग में 15 आने वाला है, वो इसको प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट कुछ इस तरह करते हैं, सी आउट करेंगे तो सी प्लस प्लस का, सी का प्रिंट एलन जावा में करते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रिंट अप स्कैन अप करते हैं हम लोग सी में, प्रिंट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट कर देते हैं सिंपली सी आउट और जेड को प्रिंट कर लेते हैं, फिर इंट लाइन लिख देते हैं। ठीक है, बस आपका जेड का वैल्यू दे देते हैं, सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल वेरिएबल्स उसको बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स वेरिएबल्स डैट डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, लोकल वेरिएबल। जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, जैसे अभी हम क्या यहाँ पे तो कोई फंक्शन हम बनाए ही नहीं, फंक्शन बनाना पड़ता है, फंक्शन को भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसके अंदर उसको कोई जैसे बनाएंगे तो होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल हम अभी आपको मल्ट और उसके अंदर काम करेंगे सी बना लिया है। ठीक है, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, लोकल वेरिएबल जो हम लोग फंक्शन के अंदर बनाएंगे, सी इक्वल्स टू लिख दिए ए प्लस बी और यहाँ पे सी आउट कर दिए, सी को ऐसे करते हैं, इसमें ये जो है ना इसको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स इसको बोलते हैं, और इसको इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल उसको बोलते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं जिसको हम लोग फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा कि फंक्शन यहाँ ये क्या है जो हम लिख दिए। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन इंट मल, मतलब फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो सॉरी प्लस कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन ये हो रहा है, फंक्शन ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे जो है फंक्शन के अंदर बनाया हुआ एग्जाम्पल दिखाया हुआ, वाइड फंक्शन बनाया, उसके अंदर इंटेग्रल्स बनाया और एक्स को टेन वैल्यू दे दिया, हमें कहना था वैल्यू फंक्शन बनाया उसके अंदर भी एक्स लिया, और आप एक जगह पे दो लिख सकते हैं, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग हम लोग इंटीजर एंड इंटीजर का नाम वेरिएबल्स का रख सकते हैं। बट अगर हम देखिए इसमें अगर एक्स वाई जेड की जगह हम लोग यहाँ एक्स 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 ही रख देते हैं, क्या होता है मैं पूछता हूँ वाई क्या है। ठीक है, अगर यहाँ एक्स रख देते, आप एक्स है तो सब जगह एक्स ही रखते, तो एक्स प्लस एक्स ऐसे, तो पता है इसका वैल्यू कुछ और आएगा, आप जो सोच रहे वो नहीं आएगा, 10 + 5 = 15 नहीं आएगा, इसका वैल्यू क्या होगा पता है, पहले एक्स का वैल्यू 10 था मानेगा, फिर एक्स का वैल्यू आप चेंज करके 5 कर दिए, फिर आप एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 5 करें तो 5 + 5 हो जाएगा और एक्स का नया वैल्यू आएगा 10, ओनली 10, और आपको प्रिंट एक्स करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, एक्स वाई जेड अगर एक ही नाम रख रहे हैं तो पहला बार तो बोलेगा, हमको लगता है कि कोड हम रन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या बना रहा है, हमको यहाँ तक लगता है, अगर एरर नहीं होता है ना तो आपको यही होगा, सीधे बोलेगा मेनी टाइम्स यहाँ डिक्लेरेशन पर, तो ये आपको यहीं पर बताना पड़ेगा। समझे, तीनों आप एक ही नाम के नहीं ले सकते, तो आपको बोलेगा ही कि नाम का वेरिएबल्स बहुत बार डिक्लेयर करते हुए, बहुत ईजी है। अब आते हैं आगे, वाइड फंक्शन उसी का और एग्जाम्पल्स यहाँ पे कराएंगे, उसका जरूरत नहीं आपको, बेसिक चीज ही है वही फंक्शन के अंदर देखिए, वाइड आई ओ स्ट्रीम बोली गई है क्या, ये सी का लैंग्वेज है, STD.IO.IO, ये सी में बुलाया जाता है। ठीक है, हम जो सिखा
आपको आई स्ट्रीम प्रोडक्ट को सी प्लस प्लस में सिखाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अब है फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब ये होता है, जो अभी हम लिखे थे ना इंट फंक्शन के अंदर, उसको फॉर्मल पैरामीटर, ऑफिशियली उसको बुलाया गया। जैसे हम यहाँ लिखे थे अभी इंट ए इंट बी इंट ए और इंट बी, ये फॉर्मल पैरामीटर है जिसको हम ऑफिशियली बुलाए हैं। यहीं पे हम असाइन किए और यहीं पे इसका यूज करके आगे यूज भी कर दिए, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मली बुलाया हुआ। ठीक है, बोलिएगा तो इनफॉर्मली क्या होता है सर? इनफॉर्मली कुछ नहीं होता है, बट एक फॉर्मल होने का मतलब कि आप इसी के अंदर कॉल किए और उसका यूज भी कर लिए। तो लोअर वेरिएबल्स क्या होता है? तो लोअर वेरिएबल कुछ नहीं होता है, लाइक अनलाइक लोकल वेरिएबल, लोअर वेरिएबल थ्रू द प्रोग्राम मे बी यूज इन के अंदर या मेन के बाहर, मतलब वेरिएबल ही लाइक होता है। क्या है ना, अगर आप उसको मेन फंक्शन के बाहर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको ग्लोबल हो जाता है। या आप उसको फिर इंटायर दुनिया में ग्लोबल, एक ही शाहरुख खान ग्लोबल है, ग्लोबल शाहरुख खान बोले तो मतलब सिंपली वही वो सोचता है। ऐसा नहीं कि अच्छा आपको लड़का हो सकता है उसका नंबर, नहीं, शाहरुख खान मतलब शाहरुख खान एक ही है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में एक ही है शाहरुख खान, मतलब शाहरुख रोहित बहुत सारा हो सकता है, अंकित बहुत सारा हो सकता है, सौरभ बहुत ज्यादा, मतलब विराट कोहली एक ही है, उससे नाम है बहुत लोग रख लेता है, बट ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल क्या है? क्रिकेट। ठीक, उसी तरह के फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर भी अगर कॉल कर दिया जाए बनाते हैं तो उसको हम लोग कहीं भी यूज कर लेंगे। तो चलो उसी तरह कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या होता है? तो कॉन्स्टेंट में क्या है, हम लोग कोई भी वैल्यू को अगर रख दिए ना तो उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो कोड में एरर आएगा। जैसे अभी हम क्या करें, ऐसा ऐसा रखें, इसको नहीं मानिए आप, एरर आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू पहले 10 रखें, फिर 5 रखें, फिर एक्स प्लस 5 रखें तो आएगा वैल्यू 10। अगर अगर हम इसके आगे हम लिख देते कॉन्स्ट तब इंड लगाते तो यहाँ एरर आता, क्यों चेंज किया वैल्यू मत कीजिए। जब यहाँ कॉन्स्टेंट आप डिक्लेयर कर दिए हैं तो एक्स का वैल्यू क्यों बार बार चेंज करें, आपको एरर आएगा। ठीक है, कॉन्स्ट आपको हम हाईलाइट भी करा देते हैं कि क्या है वेरिएबल कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऑलवेज रिसीवर एक्सेप्ट एंड एक्सप्लिसिट इनिशियल और सेम हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब एक बार अगर आप उसको डिक्लेयर कर दिए तो बार बार चेंज नहीं कर सकते। दिस इज यूज फॉर कॉन्स्टेंट पैरामीटर डिक्लेरेशन इंश्योर दैट द कोड इनसाइड द फंक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द ऑब्जेक्टेड टू द पैरामीटर। सिंपल, कुछ इसमें सोचना नहीं है, बस कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे अगर हम कोई कोड में ए आपका एज हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, या हम जीरो कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो अब जीरो ही से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वन से स्टार्ट हो गया टू से स्टार्ट हो गया, तो कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया कि हम जीरो ही से स्टार्ट करें। ठीक है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वोलाटाइल वगैरह मॉडिफायर में यूज होता है, ठीक है, तो आगे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब हम क्या नोट्स अच्छा बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या आप लोग का भी नोट्स अच्छे से बनेगा, अभी समझ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वन फाइल फाइल टू, इसमें क्या होता है, इसका कोड हम लोग अगले फाइल से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक फाइल बनाए हम लोग, कोई कोड बनाना शुरू किया, जैसे तो उसमें शुरू किया काम करना, ठीक है, और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरे प्रोग्राम शुरू किए और उसमें वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं दूसरे प्रोग्राम का, तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसा बता रहा। ठीक है, ऐसा बता रहा तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब एक बार उसको फिक्स कर दिए वेरिएबल का नाम तो वो चेंज नहीं हो। स्टैटिक लोकल भी वही बात है, कोई डिफरेंस नहीं। ये क्या है ना, थोड़ा नोट्स मजल्स हो जा रहा होगा आपको। हम अगले वीडियो से अपना वीडियो अपना नोट्स अच्छे से बनाकर लाएंगे, जिसमें आपको समझाने में आराम रहेगा। वेरिएबल्स इन्फॉर्मेशन आपको बता चुके हैं, पहले उसका टाइप लिख के आप इंट बना रहे हैं, फ्लोट बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं, कैरेक्टर बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, फिर रिक्वेस्ट टू करके उसको जो लिखना आपको लिख दीजिए। अगर अगर आप तो अगर हम बनाते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमको रखना है, मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है ढेर सारा वर्ड्स, वर्ड्स 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 WORDS वर्ड्स, नेम रख दिए, नाम लिखना है किसी का, डबल इन्वर्टेड कमांड रोहित लिखिए। ठीक है,
कैसे करेंगे, तो होगा सिंघम। ठीक है, अगर आपको कोई कैरेक्टर रखना है, एक सवाल कैरेक्टर, सिंगल कोट मेल या आप दोनों में से कोई एक ही आपको रखना है, ये होता है। सुना गया? पैर के लिए कोई एक वर्ड मेल चाहे फीमेल, नाम रखने के लिए आपको डबल इन्वर्टेड के अंदर पूरा लिखना है, जो लिखिएगा वही रन करेगा, ऐसा नहीं कि खाली रोहित, आप इसलिए लिखिएगा कि ये पूरा ही स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल नाम के अंदर, नाम नेम के अंदर ये बॉक्स बना, उसका टाइप है कि हम इतना बड़ा रख सकते हैं, ये रेंज है, मतलब आप बॉक्स का रेंज बताते हैं, जैसे आपको कोई सामान रखना था, आप पैसे सोचते ना, हाँ ये आपका सामान है या आपका ही फोन ही है, तो पहले फोन का लेंथ नापते हैं, उसके अकॉर्डिंग इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब बड़ा साइज में बॉक्स निकल गया, तब ना फोन डालेगा अंदर। अब ऐसा कि आप इसको लिए और आप वाटर बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको उससे बड़ा जगह चाहिए, तो इसी तरह ये रेंज बताता है कैरेक्टर, एक वर्ड से ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा आप रखिएगा ना, आप वर्ड ही एरर आ जाएगा, ठीक है, कुछ और नहीं, बस ये सिंपल है। इसी तरह आते हैं कॉन्स्टेंट, आपको बता दिए, और हेक्साडेसिमल यहाँ पर लिखिए, देंगे डेटा टाइप है इसका कॉन्स्टेंट, एग्जाम्पल इसका आप क्या क्या रख सकते हैं इंट में, यहाँ से वन से लेके इतना आप रेंज तक रख सकते हैं, लॉन्ग इंट में आप इतना रख सकते हैं, अनसाइंड इंट में इतना रख सकते हैं, फ्लोट में आप इतना रख सकते हैं, डबल में आप फ्लोट डबल में अधिकतर का कंट्रोल होता है, फ्लोट भी डेसिमल वैल्यू रखता है और डबल भी डेसिमल वैल्यू रखता है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों, दो अलग अलग क्यों बनाए हुए, इसलिए क्योंकि फ्लोट में जगह कम होता है, डबल में जगह उससे 4 गुना होता है, मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है, रेंज है फ्लोट का भी रखने का, आप डेसिमल उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, लॉन्ग डबल लॉन्ग में एल लगाना ही आपको पड़ेगा, इंट में ऐसा कोई आई हुई नहीं, फ्लोट में आपको एफ लगाना ही पड़ेगा, लॉन्ग में एल लगाना पड़ रहा है, एफ में फ्लोट लगाना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल में ओ एक्स 0x80, मतलब आपको जो अगर वैल्यू है 128 इन डेसिमल में लिखना है, तो आपको 0880 लिखना पड़ेगा, 10 है तो 0 1 2 लिखना पड़ेगा, ऑक्टल में ये रूल होता है, कैसे लिखते हैं इसको हम बताते हैं, जैसे आपको आपको लिखना है हेक्साडेसिमल किसका, 128, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, 2 पे पावर 7 नहीं 6, 2 पे पावर 6, तो आप क्या करिएगा पता है, 2 इसको डिवाइड कीजिएगा 6 ऑक्टल में 8 से, 2 पे पावर 8 करके बनाना पड़ता है, इसके बराबर कितने बार में बन जाएगा, ना कुछ हार्ड नहीं है, हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल बाइनरी टू डेसिमल, ये सब आपका स्पेशल हम सिखाएंगे अपने वीडियो में, क्या अभी बस स्टार्ट कर दी कि आपको पता चलना चाहिए कि हाँ एक कोर्स चालू हुआ है, एक वीडियो एक चैनल चालू हुआ है जिसमें हम हर चीज़ पढ़ाएंगे इंजीनियरिंग के बारे में, इंजीनियरिंग क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, पता है कि बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, और आपके बेनिफिट के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, लाइव बना रहे हैं, तो आपको भी आसानी रहे, पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कितने बच्चे हैं, अभी तो कोई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देख रहे हैं मेरा चैनल, अभी भी इसमें प्रेस स्टार्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे पास चैट से आया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा, कोई नहीं। अब आते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ये सब होता है, प्रिंटफ स्कैनर आप यूज़ कर सकते हैं, फिर बेसिकली यही है कि आप मस्त काम कीजिए, स्ट्रिंग कौन सा आपको बता चुके हैं, स्ट्रिंग यूज़ करेंगे उसमें, स्ट्रिंग भी कॉन्स्टेंट होता है, जैसे नेम, नेम आप कॉन्स्टेंट कर दिए, आप रोहित रख दिए तो रोहित ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि अगला, आप ऐसा कर सकते हैं, रोहित रखें, अगले में आप नेम इक्वल्स टू सोनू, सोनू सियाउट,
hani bu da soru vardı ki Rohit soru vardı apkana sile apka batara ki kırıyan konser lana bekle konser Rohit तेरा रहा है ना कि आप नाम चेंज कर दीजिए, इसको हटाना पड़ेगा आपको। जैसे हटा लिया आपका नाम आ जाएगा सही वही, बस यही है। कोई हार्ड नहीं, हम आपको रन करके अगली क्लास से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपको कहीं ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि हमको बहुत अच्छे से आता है कोडिंग, हमने बहुत ही जगह से पढ़ा, बहुत बुक रेफर किया है। बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स बहुत ईजी, बुक वाइज पढ़ा रहे हैं आपको कि ऐसे आप जब पढ़िएगा बुक रेफरेंस कीजिएगा ये सी प्लस प्लस कंप्लीट रेफरेंस तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम बहुत चीज़ बताएंगे, HTML सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, कभी कभी ठीक है कभी कभी रिकॉर्डेड वीडियो भी आएगा, कभी कभी लाइव आएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपको ये सिंपल बुलाना है, जिससे प्रिंट क्या होगा आप बता सकते हैं। ये मेरा मेन फंक्शन है जिसके अंदर प्रिंट एफ किए हैं, हम क्या किए हैं, दिस इज द टेस्ट। देखिए आपके सामने हमें कोड रन करके दिखाते हैं, कोड ब्लॉक्स हम सब यूज करते हैं अधिकतर बार क्योंकि इसमें क्या है फास्ट होता है, आपको नोटपैड से भी दिखाएंगे बट ये ज़्यादा फास्ट काम करता है। अगर आप फर्स्ट लर्नर हैं तो आपको आना चाहिए। आपके सामने एक बनाइए, क्रिएट किए होते गए कंसोल पे गए, हम आपको सी का दिखाते हैं। आपका नाम लिख देते हैं ये देखो, पहले ही से रेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन बटन प्रिंट है, इसको रन करते हैं, रन बटन है, कंपाइल और रन दोनों एक साथ होता है। पहले हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, मतलब हायर लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट होते हुए मशीन लैंग्वेज होता है, फिर मशीन लैंग्वेज हमारे को आउटपुट देता है, कंपाइल हो गया। फिर जब रन करते हैं तो मशीन लैंग्वेज से उठाकर हमारा प्रोग्राम बस हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, तब हमें हमारा आउटपुट दिखता है। ठीक है, क्या आया हेलो वर्ल्ड, सेम प्रोग्राम आपको यहाँ पे किया हुआ, यही चीज़ किया है बस यहाँ टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट। फिर आप कहिएगा तो सर ये क्या है, आपको हम बताया नहीं क्या अभी, नहीं, यही तो टॉपिक है। ठीक है, ये बैक स्लैश एंड बैक स्लैश टी क्या है, दिखाते हैं बैक स्लैश एन, बंद करना पड़ेगा आपको तब दूसरे बार होगा। ठीक है, याद रखिए एक गैप आ गया, मतलब फर्स्ट लाइन छोड़ दिया है। ठीक, हटा दी बात आपको, फर्स्ट लाइन छोड़ कर अब क्या करेंगे, बैक स्लैश टी बंद किया, इतना गैप छोड़ कर पहले स्टार्टिंग से आ रहा था, अब दोनों एक साथ लाइन छोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको कितना गैप, यही है, ये क्या है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं बैक स्लैश, बोलते हैं बैक स्लैश जो हमारे इंटर के ऊपर रहता है, इंटर बटन है ना कीबोर्ड का उसके ऊपर रहता है। ठीक है, दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक बैक स्लैश होता है। ठीक है, हमें बैक स्लैश यूज करना है। और ये क्या, इसको कहते हैं हम लोग स्किपिंग, स्किप करता है हर चीज़ को। ठीक है, स्किप स्किप सेंटेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ होगा दिस इज ऑल्सो रेफर टू स्किप सेंटेंस, मतलब ये हमेशा छोड़ता है हर चीज़ को। ठीक है, प्रोग्राम में देखिए जैसे है यहाँ बैक स्लैश फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड क्या होता होगा आप इससे आपको वही करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, एक लोगो आ गया। ठीक है, क्या लोगो गया होगा, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे इसको मेल करते हैं ना, मेल 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 और ऑर्गेनिज्म को ऐसे हम लोग यूज करते हैं कि मेल है ये फीमेल पार्ट है ये। नेक्स्ट लाइन रिटर्न टी हॉरिजॉन्टल टैब, वही चार, देखिए ना चार का गैप था, बी डालेंगे ना तो एक का स्पेस आ जाएगा, टी डालेंगे तो चार का गैप आएगा, चार स्पेस बार आएगा। ठीक है, और ये सब आपको याद रखने का बस इतना ही होता है,
ज्यादा बेवरेज और ज्यादा कुछ ज्यादा याद करने का दम जो है दम हार जाए। कुछ नहीं है ऑपरेटर भी, कुछ भी नहीं ऑपरेटर का मतलब चार टाइप का बेसिकली ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। देर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर, चार टाइप का ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब टोटली पूरा प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में सिर्फ चार के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अलग हम देखने को मिला अभी साइलेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं इज इक्वल्स टू होता ना, इसलिए साइलेंट ऑपरेटर बोलते हैं। साइलेंट ऑपरेटर है तो ये है, उसके बाद टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट्स, असाइनमेंट मतलब क्या है, टाइप का हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे। अगर हम लोग गलती से एक इंट ले लियो, नहीं मानो फ्लोट ले लियो, हमको बना कि नहीं इंट ही ले लिए, फ्लोट बनाने के लिए पहले हम बना लिए फ्लोट, सबको लाभ मेहनत करना है, अंदर दिखना नहीं चाहिए। हम गलती से एक फ्लोट ले लिया, और अगले में हम गलती से इंट ले लिए वाई, हम सोचना पड़ेगा, ठीक है। काम पूरा कर दिए तो यार दोनों को जोड़े कैसे, दोनों को जोड़े कैसे, अब तो जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि दो अलग अलग डेटा टाइप कभी भी जुटता नहीं है, ठीक है। जोड़ने के लिए आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तो कैसे जोड़ेगा, जैसे आप करेंगे जेड फ्लोट जेड, ठीक है, जेड की जगह सी आउट की जगह प्रिंट एफ ही करना, सी के लिए प्रिंट एफ, प्रिंट एफ प्रिंट एफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, एरर एरर, ये आप दो अलग अलग डेटा टाइप को जोड़ रहे हैं, लोग तो सही है जब इंट है, इसके लिए लोग टाइप कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन मतलब इंट को फ्लोट बनाते हैं, उसका एक टाइप होता है फ्लोट, फ्लोट वाई इक्वल्स टू इंट, फ्लोट इक्वल्स टू इंट होता है, करता है तो फायदा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाता है, इंट का जो वैल्यू है फ्लोट के अंदर बढ़ जाता है, मतलब करके देखते हैं, कर तो जाना चाहिए। क्या है,